नमस्कार, अंडमान लाइव के इस स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष। चलिए बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कुछ अहम खबरों की। आदिम जनजाति विकास समिति का एक कर्मी बिस्वजीत मंडल कल सुबह जिरकाटांग के जारवा आरक्षित क्षेत्र में गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके हाथों में गंभीर चोटें आई हैं, लेकिन दुर्घटना के सही कारण को लेकर अभी भी शंका बनी हुई है। सूत्रों ने बताया कि इस कर्मचारी पे जारवा व्यक्ति के द्वारा हमला किए जाने के कारण उसके हाथ पर ये गंभीर चोटें आई हैं। वहीं कुछों का कहना है कि ये एक दुर्घटना थी। इस बीच उच्च पदस्थ सूत्रों की माने तो बिस्वजीत मंडल के हाथों में गंभीर चोटें जारवा व्यक्ति के द्वारा उस पर उस समय हमला करने के कारण ही, जब एक जारवा व्यक्ति मीनू ट्रांसपोर्ट के मालवाहक ट्रक पर जबरन चढ़ने की कोशिश कर रहा था और श्री मंडल ने उसे रोक दिया। इससे जारवा व्यक्ति नाराज हो गया और उस पर धारदार हथियार से हमला बोल दिया। इस घटना के संबंध में जिरकाटांग पुलिस चौकी में जीडी भी दर्ज की गई है। बाद में पीड़ित और घटना के दौरान मौजूद उसका एक साथी का भी बयान दर्ज किया गया। हैरानी की बात यह रही है कि दोनों ने अपने बयान में कहा कि ये चोट दुर्घटनावश उस समय लगी जब जारवा व्यक्ति ट्रक पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था और उसे रोकने के दौरान उसके साथ मौजूद धारदार हथियार बिस्वजीत मंडल के हाथ में गिर गया। लेकिन घर के बाद की परिस्थिति को देखने से दुर्घटना के कारणों में विरोधाभास है और यही कारण है कि दुर्घटना की सही वजह को लेकर यह उलझन बनी हुई है।